तो भाई लोग, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि मैं वापस आऊँगा और रेगुलर कंटेंट आएगा, तो मैं वापस आ चुका हूँ एक डुओ वर्सेस स्क्वाड की वीडियो के साथ, जो है मेरे छोटे भाई के साथ, जो है मेरा कज़न भाई। अभी अभी इसने खेलना सीखा है, मेरे से तो गंदा ही खेलता है, पर कोई बात नहीं, चलता है सब अपने को। तो हम आज उतरे हैं स्टेडियम में और मेरा भाई बड़ी तेज़ी से लूटने के लिए गया है। गाइस, इसमें भी मैं बड़ी कैडी शॉटगन चलाने वाला हूँ। गाइस, देखते जाइए, ये पता नहीं किसका मार को रखा था, मैं भी नहीं जानता। आपको पता हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आ चुके थे, जो कि मुझे लग रहा था बाहर है, तो मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे एक बंदा अपना ही धूम मचा ले फॉर्म में भाग रहा था। ये बेचारे के साथ ग्लिच हो गया। और भाई देखते जाओ, ये जैसे मैंने इसको मारा, इसका टीम मेट आया है, और गाइज इसको रिवाइव मिल जाएगा और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। गाइज देखते जाना, गाइज मुझे लगा ये रश करेगा, पर ये कुछ करता नहीं है। जैसे ही आता है इसको बजा देते हैं। अच्छी खासी लूट लेके आया था ये बंदा, तो इससे DP उठा लेंगे। तो इसे DP उठाने के बाद अब हम आगे रश करेंगे। एक और बंदे के फुटस्टेप, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मुझे आ चुके हैं, और उसको मेरा टीममेट जल्दी से निपटा देता है। भाई लोग, अब मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाऊंगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपने पिछली वीडियो पे भी ज़्यादा तो नहीं दिखाया, पर हाँ 10 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोग तो देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बंदा नॉक हो जाता है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ उसे बचाने, उसे वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, जैसे कोई मिनी से नॉक कर देता है और बहुत दूर होता है वो बंदा, तो वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। तो गाइस देखिए, देखते जाइए। तो गाइस देखिए, यहाँ मैं आता हूँ, पर उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा होता। वो सामने वाली खिड़की से मारता है और फिर भाग लेता है। पता नहीं, कहीं उसको पता चल गया होगा मैं आ गया हूँ, तो उसकी फट जाती होगी, तो भाग लेता है जल्दी से। तो यहाँ पे इसे रिवाइव देंगे, और आगे और बंदों की शूटिंग हो रही थी, तो उन्हें भी निपटाते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, तो इसे जल्द से निपटाएंगे। और दूर से इसके ऊपर कोई एम लेके बैठा होता है कि ये मेरा किल चुराएगा, तो ऐसे थोड़ी चुरा देंगे किल, हलवा है का। तो इसको जल्दी से निपटाते हैं। और गाइस अभी बहुत इंटेंस फाइट्स होने वाली हैं, अभी तो बस मेरे 2 ही किल आए हैं और बीच में 1-2 किल चोरी भी हो गए। तो नेवर माइंड गाइस, अभी आगे और फाइट्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो से बने रहें। तो गाइस यहाँ पे ये बंदा फिर आता है और इसे फिर से नॉक कर देंगे। ये वही पहला बंदा है जिसे हमने नॉक किया था। तो गाइस यहाँ पे ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, और अभी गाइस देखते जाना, एक बहुत फ़नी सीन होने वाला है। देखिए गाइस, यहाँ से मैं बाहर जा ही रहा होता हूँ, यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, तो मैं इसे निपटा देता हूँ जल्दी से। और गाइस, जैसे मैं इधर उधर देखता रहता हूँ कि कोई और बंदा आए, तो उसे भी जल्द से निपटा दें। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं कोई चैलेंज करूँ या ना करूँ, क्योंकि उजी चैलेंज, या UMP चैलेंज, या RPG चैलेंज, ओनली ड्रॉप वेपन, जो आप बोलेंगे मैं वो आप। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा चैलेंज करूँ। तो गाइस, इस बंदे को जो मैंने सबसे पहले नॉक किया होता है, वो अभी तक यहीं बैठा होता है, पता नहीं ऑफलाइन हो गया है क्या सीन है। तो गाइस, इनका आखिरी बंदा होता है, तो देखिए गाइस, बड़े मज़े में मरा है, एक गोली मारी और क्या लाश बनी है बंदे की। तो गाइस यहाँ से एक और बंदा मेरे पे एम ले रहा होता है, तो थोड़े से टैग्स देंगे, पर वो बच जाएगा। तो मैं जल्दी से अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मेरे पास आए, पर वो वहीं से उसे मार देता है। तो गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक और बंदे को अंदर मोलोटॉव से मार दिया होता है। तो भाई लोग कर देंगे सबको एक एक करके ख़त्म, और सबका बदला लेंगे, बाप का, दादा का, भाई का, सबका। तो गाइस इससे मैं फिर से एक और टैग देता हूँ, पर ये फिर भग लेता है। पता नहीं कि कौन सा जमाल को टकाया था, पर यहाँ पे और बंदे आ चुके होते हैं, और मेरे टीममेट को ये बंदा बहुत लो कर देता है, तो मैं जल्दी से आता हूँ और इसे बजाएंगे। गाइस गाइस ये अलग ही नशे में भाग रहा होता है, पर जैसे पता चलता है मैं यहाँ पे हूँ, तो आता है मारने के लिए, पर बेचारे की किस्मत ही नहीं थी, एम लेता रह गया बेचारा। तो गाइस यहाँ पे इनके भी किल ले लेंगे। और ये बंदा जिसे आप सोच रहे हैं कि मैंने जिस नॉक वाले को मारा है उसका किल क्यों नहीं मिला, वो मेरे बंदे ने मोलोटॉव से नॉक किया था, तो उसके पास किल चला गया। तो गाइस टोटल इस गेम प्ले में मेरे पास आएंगे 15 किल्स, और टोटल आएंगे टीम मिला के 19 किल्स। टीम मेट को सिर्फ 4 ही मिलते हैं, क्योंकि अपुन तो प्रो है ना ब्रो। तो गाइस यहाँ पे इन सबको ख़त्म कर देते हैं, और एक ड्रॉप आ चुका होता है स्टेडियम के अंदर ही, छत के ऊपर। तो गाइस जाएंगे जल्दी से ड्रॉप हंट करेंगे। ड्रॉप में हमें RPG मिल जाती है, और मैं वैसे RPG चलाता तो नहीं हूँ, पर ये वीडियो RPG की वजह से खास बन पाई है, क्योंकि RPG के बहुत अच्छे मूवमेंट्स हैं इसमें। और यहाँ पे मेरे पास 7 की एमओ बहुत कम थी, तो मैंने सोचा RPG उठा लिया जाए, अगर 7 एमओ मिलेगी तो फिर वापस कोई 1 AM या DP मिल जाएगी साथ में, तो वो उठा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे पता नहीं होता ड्रॉप कहाँ होता है, मैं मैप के हिसाब से जाता तो हूँ, पर यहाँ पे धुआं ऊपर आ रहा होता है, तो मैं चल देता हूँ जल्दी से।
गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और व्यूज़ भी आप थोड़े बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके रात में मैं 1 से 4 बजे के बीच में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा नेट नहीं चलता है। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद वॉइस ओवर में अपलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है गाइस, 3 3 4 4 घंटे अपलोडिंग में लग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो भाई लोग यहाँ पे एक बंदा मुझे यहाँ पे अंदर जाता हुआ दिख जाता है, तो मैं इसे RPG बजाऊंगा। तो गाइस ये बाहर आता है, और देखना गाइस क्या हिट जाएगी इसको। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने RPG के एक हिट में बंदा बंदा निपटा दिया। तो भाई लोग जैसे इसको हम निपटाते हैं, तो हम पे आ चुका होता है रेड जोन। तो रेड जोन से अपना नाता दूर दूर तक नहीं है, तो हम जल्दी से भागेंगे शूटिंग की तरफ। आगे और शूटिंग भी हो रही होती है, तो भाई लोग इसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और शायद ये हो भी जाएगा। जी हाँ गाइस, ये बंदा ख़त्म हो जाता है, और आगे और शूटिंग हो रही होती है। तो पहले मैं देखता हूँ कि आसपास कोई और तो नहीं है, कहीं पता चले हम उधर भाग रहे हैं और पीछे से पड़ जाए। तो यहाँ पे मेरा टीममेट एक और बंदा निपटाया था, और मेरे पे कहीं से और से शूटिंग होने लग जाती है। पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया बंदा, अभी अभी पैदा हुआ। तो इसको जल्दी से निपटाएंगे ड्रैगो को। तो ड्रैगो भाई आपसे मिलेंगे लॉबी में, तो इसको जल्द से लॉबी पहुँचा देते हैं। और हम पे रेड जोन भी आ रखा था, तो मैं थोड़ा रुक के रश करूँगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे 10 किल तो आ ही चुके हैं, और 19 अलाइव बचे हैं। तो गाइस बहुत इंटेंस रहा है अभी तक। RPG के आगे आपको एक बहुत अच्छी हिट देखने को मिलेगी, जो मैं मेरी जब M416 रिलोड पे जाएगी, तब तो मैं RPG से स्मोक के अंदर एडजस्ट करके मारूंगा। तो भाई लोग प्लीज़ लाइक कर दें, और उस मूवमेंट को ज़रूर देखें। तो गाइस यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है रश करने, तो इस बंदे को पता नहीं कौन से जमाल को टकाया था, तड़प रहा था। तो इसको जल्दी से भगवान के पास पहुँचाएंगे, और आगे रश मारते जाएंगे भाई। तो गाइस यहाँ पे हम स्टेडियम के बंदे निपटा के यहाँ पे शूटिंग हो रही होती है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। और यही वो मूवमेंट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो भाई लोग इस बंदे को मैं स्प्रे देने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर जैसे से बच जाता है। तो भाई लोग यहाँ पे एक नई स्क्वाड होती है, मुझे लगा ये नूब जो होंगे, पर ये बहुत अच्छे बंदे होते हैं। तो भाई लोग ये देखते जाना क्या होगा अब। हॉलो से बजाऊंगा, और ये बंदा मर भी जाएगा गाइस। देखा गाइस, इसे कहते हैं प्रोनेस। सॉरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी अपने आप की, पर आदत से मजबूर हूँ। तो भाई लोग इसका टीममेट इसे बचाने तो जा रहा होता है, पर इसको क्या पता था कि इसकी मौत इसके सर पे खड़ी है। क्या डायलॉग मारा। देखिए गाइस यहाँ पे स्मोक कर चुका होता है, इसमें मैं बहुत टैग दे चुका होता हूँ। तो गाइस अब देखना क्या एडजस्ट होएगा स्मोक के अंदर। तो भाई लोग इसे पता नहीं कौन से दौरे आते हैं, ये मुझे मारने की फुल मूड में था, पर मेरा थोड़ा एम चोक हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास M4 की 6 गोलियाँ होती है, तो मैं RPG निकाल के रश कर देता हूँ। तो भाई लोग ये बजाता हूँ मैं इसे, तो देखा गाइस अंदाज़ा सब कुछ कर देता है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि बंदा और आप में आपके पास RPG है, तो आप बजा दो, क्योंकि बहुत दूर तक RPG का डैमेज जाता है। तो भाई लोग यहाँ मैं हेल्प कर रहा था, और मेरे पे ऊपर कहीं और से गोली पड़ती है। इतने में मेरा टीममेट किस काम का है, तो उसने निपटा दिया उसको, पर ना हमारे और किल्स भी आते, नेवर माइंड। तो भाई लोग यहाँ पे सिर्फ 4 बंदे अलाइव होते हैं, दो तो मैं दो हम दोनों, और दो और होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भाई लोग देखते जाओ। तो भाई लोग स्क्वाड को निपटाने के बाद अब सिर्फ दो ही बंदे बचे होते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, क्योंकि दो तो हम दोनों ही थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी एडिटिंग स्किल्स का यूज़ किया, हम बहुत गाड़ी घुमाते हैं पर कोई मिलता नहीं है। तो यहाँ पे गिली बाबा लेटा हुआ होता है, जो पता नहीं इतनी हिम्मत होती है बंदे में कि भाई शूटिंग कर देता है। जो मेरे टीममेट को खाएगा तो पूरा बदला लेंगे, इससे बाप का दादा का भाई का सबका। तो भाई लोग यहाँ पे हम कर देते हैं इस पर रस, तो रस करेंगे। और भाई लोग बहुत अच्छी टक्कर देता है, बंदा प्रो लग रहा था। तो भाई लोग मैं ऊपर नेड मारता हूँ, और वो बंदा नीचे नेट मारता है। तो गाइस उसका भी नेट फटता है, मेरा भी फटता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई लोग वो कर देता है मॉली, तो मॉली हॉली 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 फैलती जाती है मॉली। पर जैसी मॉली ख़त्म होती, मैं सबसे रश करता हूँ, पर मुझे एक और मॉली खींचने की आवाज़ आ चुकी थी, तो मैं पीछे आ जाता हूँ। तो भाई लोग यहाँ मैं थोड़ा सा जल जाऊँगा, तो ये थोड़ी ज़्यादा मॉली फैल गई, तो मैं थोड़ा झटपटा जाता हूँ, पता नहीं हड़बड़ा से जाता हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ, हो गया हादसा। तो भाई लोग यहाँ पे जोन भी आ रहा होता है, तो गिली बाबा सोचते हैं कि वो नीचे कूद के मारेंगे। तो भाई लोग मेरे टीममेट को तो वो बहुत आराम से खा चुके होते हैं, और मेरे भी पीछे पड़े होते हैं, पर अपुन प्रो है, ये अपुन का इलाका, कोई बॉलीवुड का बाका। तो भाई लोग ये मेरे टीममेट को ख़त्म करता है, और पता नहीं अलग ही नशे में भाग रहा होता है, इसको लगता है कि मेरे को पता नहीं चलेगा, पर अपने पास भी सस्ते ईयरफोन है जो हमें सब बताता। तो भाई लोग यहाँ पे मेरा 15 किल हो चुके होते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि अभी एक बंदा तो और बचा है, तो टोटल 15 किल कैसे।
तो भाई लोग वो ऐसे कि आप देखते जाएं, मैं ऐसे सस्पेंस नहीं तोड़ता, आपको समझ तो आ ही गया होगा, पर कोई नहीं, अपने में सब चलता है। तो भाई लोग, यहाँ पे आरपीजी की मुझे थोड़ी और बुलेट्स मिल जाती है, और मैं सोचता हूँ थोड़ा यादगार बनाएंगे और आरपीजी के आखिरी हिट देंगे, देता भी हूँ, पर जोन मेरी किल चुराएगा, भाई लोग बड़ा गुस्सा चढ़ता है, पर कोई नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट एड लगा लेते हैं हम, तो यहाँ पे फुल बूस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि अपने पास बहुत सारे हेल्थ का सामान था, तो यहाँ पे जल्दी से फुल बूस्ट करते हैं भाई लोग। यहाँ पे वो आखिरी बंदा भी निपट जाएगा और हमारा गेम प्ले इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो पे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे। एम लाइक रखते हैं हम, एक लाइक का। तो भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर फ्रॉम कोरोना, और हंता वायरस भी आ चुका है, तो अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड आई इंग्लिश नहीं आ रही, तो उम्मीद रखता हूँ आगे भी आप सपोर्ट दिखाएंगे। थैंक यू।